सो गाइस, फोटो शूट हो गया मौसी लोगों का और केक खिलाएंगे अभी यहाँ उनको। देखो आने में डर रहे हैं, ये आ नहीं पा रहे। Hey guys, good evening, welcome back to another vlog। और अभी बच रहे हैं शाम के 4:30 और आज है 24 सितंबर, यानी कि आज मेरा बर्थडे। हम जा रहे हैं और मौसी लोग तैयार हो रही हैं और सब लोग, मैं रेडी हो जाऊँ। और कमेंट करके जरूर बताना आपका भाई कैसा लग रहा है आज। और अभी हम जा रहे हैं मौसी लोग को आज मॉल दिखाने, सो आपको और सेलिब्रेट करेंगे। और आज मैंने सोचा कि कुछ, आज अपने बर्थडे में तो हर कोई सेलिब्रेट करता है अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, सो मैंने आज कुछ सोचा है कि क्यों ना आज कुछ अलग किया जाए, अलग ट्राई किया जाए। सो मैंने सोचा है कि आज मैं कुछ न्यू पीपल के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा, उनमें कुछ खुशियाँ बांटूँगा। जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते, मैं उनको अपने साथ खुशियाँ बांटना चाहता हूँ आज के दिन। सो मैं आज जाऊँगा, पहले मॉल जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं कोई आसपास कोई मंदिर में। आज शनिवार है तो सैटरडे है, तो शनिवार मंदिर में बैठे रहते हैं। सो वहाँ पर जाऊँगा और उनको देखता हूँ, कुछ सोचा भी अभी नहीं है, डिसाइड करूँगा मम्मी के साथ। सो अभी जाएंगे और फिर मॉल जाते हैं। यहाँ पे पास में ही है हमारे, यहाँ पे मेट्रो बिग बाज़ार है जो पास में ही है वहाँ पे। सो मौसी लोग आए तो हमने कहा घुमा देते हैं। और कल ये लोग संडे है, तो एक हमारी मौसी एक और आ रही हैं, वो दिल्ली से। एक्चुअली वो गोवा थी बहुत टाइम से, 3-4 महीने हो गए थे उनको वहीं पर। सो दिल्ली से वो आज आ रही हैं, तो लगभग शाम को पहुँचेंगी। सो आज हम घर पर भी सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे, तब तक वो आएंगे, उनका वेट कर रहे हैं। मौसी और राहुल आ रहा, भाई आ रहा है, खाना वाना खा लिया। और बाहर का मौसम तो बहुत अमेजिंग हो रहा है, और क्योंकि हर साल ही ना मेरे को पता है कि मेरे बर्थडे में बारिश होनी है, मेरे को एक्सपीरियंस है। क्योंकि हर साल जब भी मैं घूमने जाता था, लेकिन इस बार नहीं गया क्योंकि मैंने सोचा कि क्योंकि बाहर ही जाना है तो क्या एक्सपेंस ज़्यादा खर्च करना। सो मैंने सोचा आज इस बार घर बर्थडे घर वाले के साथ मना लूँ, क्योंकि मौसी लोग आई हैं, सो उनके साथ भी अच्छा स्पेंड हो जाएगा। सो तभी मैं नहीं गया। सो और बाकी तो घूम लेंगे कभी, और घूमते रहते हैं वैसे तो। सो अभी चलते हैं, और आज कुछ सीन बहुत अमेजिंग ब्लॉग होने वाला, तो बने रहे वीडियो में, और ख़तरनाक आने वाले ब्लॉग्स। सो बने रहेगा मेरे चैनल अपलोडिंग पे लगा दी है, लगभग मैंने सीन अभी उतरी और मैं लगभग 7 बजे उसको शेड्यूल कर दूंगा, अभी अपलोड कर दूंगा क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। सो मैंने सोचा अभी एडिट करिए तो अभी अपलोड कर देता हूँ और 7 बजे शेड्यूल पर लगा दूँगा। और लगभग जब ये वीडियो आ रहा होगा तब तक आप देख चुके होंगे वो ब्लॉग को। सो और जैसे आप नेपाल सीरीज़ को बहुत प्यारी है, तो इस वीडियो को भी बहुत प्यार देना। और अभी हम जा रहे हैं मॉल दिखाने, सो आप देखते हैं 1-2 दिन मॉल वो एक्सप्लोर करेंगे। सो मिलते हैं आपको। सो बॉयज, मौसी लोग तो निकल गए हैं मॉल के पास, क्योंकि यहाँ से 3 लोग थे और मैं बाइक में जा रहा हूँ। सो मैंने उनको भेज दिया पैदल वॉक करके लिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत ही होगा, सो वॉक करके चलेगी। सो अब मैं अकेले जा रहा हूँ बाइक से, को रास्ते में मिल जाऊँगा। और राहुल का भी फ़ोन आया था, बोल रहा था 4 बजे मैं बैठ गया हूँ ट्रेन से, तो दिल्ली से लगभग यहाँ से 8 बजे पहुँच जाएगा। सो बोला था रेलवे स्टेशन पहुँच जाना, सो मैं उसको फिर लेने जाऊँगा मौसी और राहुल को। और मैं अभी जा रहा हूँ मॉल में, सही देखते हैं मॉल में क्या क्या नया हुआ है, और मौसी लोग को दिखाते हैं और मौसी लोग को एक्सप्लोर कराते हैं मॉल का, और काफ़ी मस्त ब्लॉग होने वाला है। सो बने रहे वीडियो में, और शाम को हम सेलिब्रेशन करेंगे बर्थडे सेलिब्रेशन, और काफ़ी मज़ा आ रहा है और काफ़ी अच्छा मौसम है, तो घूमने भी मज़ा आएगा। सो मिलते हैं, अभी जा रहा हूँ मैं। ये लोग पहुँचे यहाँ पर इतनी दूर में, और ये लोग जा रहे हैं, ये देखो कैसे पैदल पैदल जा रहे हैं गाइस। ये मेरी मौसी लोग जा रही है और ये मम्मी लोग, ये लोग जा रहे हैं, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं क्योंकि बाइक से जा रहा हूँ और थोड़ी दूर रह गया यहाँ पे, और थोड़ी दूर है तो मैं चलता हूँ यहाँ से, उनको सीधे वहीं पे मॉल पे ले जाता हूँ, मिलता हूँ का हिसाब से। हम लोग पहुँच गए हैं मार्केट और मॉल में, और मेरे साथ ये मौसी भी आ रखी हैं, क्योंकि मौसी को मैं बिठाल के लिए आया था, क्योंकि मौसी को थोड़ा दिक्कत होती चलने में। और मम्मी और एक और मौसी लोग आ रही हैं, सो मॉल के बाहर ही खड़े हैं जस्ट, क्योंकि देर हो गई है और यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। भाई मॉल के अंदर चलते हैं और मौसी को फिर मॉल दिखाएंगे। तो मौसी पहली बार आ रहे हो फिर मॉल में यहाँ पे? पहली बार। अच्छा, पहली बार घूमा कभी मॉल? अच्छा, तो गाइस यहाँ पे रुद्रपुर में पहली बार मॉल में आ रही है, और आप अंदर दिखाते हैं मौसी को, फिर पूछिए कैसा लगा घूम के। और अभी वेट कर रहे हैं उनका, सब मिलते हैं थोड़ी देर। देखो आने में डर रहे हैं, ये आ नहीं पा रहे। ये देखो गाइस, ये मेरी मौसी थोड़ा आने में डर रही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई है, तो फ्रेंड को ले जाता हूँ। तो
बॉयज 25 समोसे तो ले लिए हैं, ये है मैंने ले लिए समोसे और अभी मैं जा रहा हूँ नीडी पुलियो खिलाने जो पास में ही यहाँ पे पड़ते हैं। तो अभी बाबा ने तो बस कंट्रोल से मिल रहे तो अभी जा रहा हूँ, मिलता हूँ। सो गाइस आ गए हम लोग फाइनली केक लेके और खाना पीना बन रहा है अभी अभी मैं दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं मेरे घर वाले। सो गाइस यहाँ पे देखो खाना बना रहे हैं, मम्मी रोटी बना रही है और ये हमारी मौसी जी खीरा छील रही और ये हमारी सब्जी बनाई है। क्या बनाया मौसी आज? मछली बनाई है हमारी मौसी ने, खा के देखेंगे फिर बताएंगे कैसा लगा। और ये हमारी मम्मी रोटी बना रही है और रोटी बन चुकी है फिर भी पूरी। और दो गेस्ट और आ रहे हैं हमारे, और कैसा लगा फिर मौसी यहाँ का मॉल घूम के? ठीक लगा। बरेली में घूमा था? बरेली में घूम, मॉल में घूम के आ रहे हैं सब चीज। बरेली से अच्छा था, कैसा था बरेली में? अच्छा रहा। यहाँ पे कैसा लगा? इन्हों पर अच्छी लगी। और वहाँ पे लिफ्ट में पहली बार चढ़े थे कि पहले भी चढ़ चुके हो? पहले भी चढ़े और आज भी चढ़े और अभी भी डर लग गया है। और ये हमारी हम तो पहली बार चढ़े हैं, हमें तो बहुत डर लग रहा है। मौसी को तो जब भी बार बार आए तो डर लग जा रहा था। मेरी बहन खींच के लाए और मेरी मम्मी को तो आदत होगी घूम घूम के, मम्मी उल्टा मौसी को ले जाए पकड़ पकड़ के और मैंने ये वाली मौसी को पकड़ा ऊपर लिफ्ट में। और ये हमारी तैयार हो चुकी है और मौसी तो हमारी नहीं खाती है, तो मौसी के लिए दूसरी सब्जी बनाई हमने, पितौले बनाए हैं। काय के पितौले बने? अरबी के दूध वाली अरबी के पितौले बनाए। और रोटी हमारी बन चुकी है और रोटी हम बना डाले, अब सब्जी तड़का लग गया है, अब खीरा छील रहे हैं, अब खाने को तैयार हैं। सब खाना बन गया हमारा, बस गेस्ट का इंतजार हो रहा है और मेहमान आ रहे हैं। फिर अब खाना तैयार करके अपने लड़के का बर्थडे का केक काटेंगे, 10 बजे ले आ जाएंगे। सो गाइस ऐसा कुछ सीन था, हमारे घर का खाना बन गया है और रोटी। और अब फ़ोन किया था मौसी को, मौसी 8 बजे फ़ोन किया था हमने, तो बोल रही थी मुरादाबाद पहुंच गए हैं क्योंकि लेट ट्रेन थी, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है हर जगह ही हो रही लगभग। सो मुरादाबाद से लगभग 2 घंटे लगते हैं, तो वो 10 बजे पहुँचेंगे। अभी बारिश हो रही है, देखो क्या सीन होता है अभी। और हमने केक भी नहीं कट कराया क्योंकि उनके वजह से, हमने कहा अब वो आ रहे हैं तो उनके साथ केक कट करेंगे। अब देखते हैं कितनी देर में आ रहे हैं। और समोसे भी लाए थे उनके लिए अलग से, ठंडे भी हो गए। अब पता नहीं ठंडे समोसे खाते हैं, देखते हैं हम खा लेते हैं। और खाना तो सब बन गया है, रोटी वोटी। और अभी देखते हैं खाना खाएंगे तो देखते हैं, भूख लगेगी तो खाएंगे, नहीं तो फिर उनका वेट करते हैं। सो मिलते हैं आपसे। यहाँ पे बर्थडे की स्टार्टिंग शुरू हो गई और यहाँ पे टीका लग रहा है, मेरे तो लग गया है। लगाओ और हम भी रेडी हो गए गाइस, जैसे कि आपका भाई रेडी हो गया। आप बर्थडे केक कट करेंगे क्योंकि वो लोग तो अभी आए नहीं, पता नहीं। और हमने कहा कि बहुत लेट हो गया है, तो हमने कहा हम साथ में ही केक कट कर लें। और अभी बारिश भी हो रही बाहर तो, और कोई नहीं आया, हम ही तीनों लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो हमने कहा वैसे भी क्या बर्थडे सेलिब्रेट करना, इतना बड़ा हो गया हम, वैसे भी छोटा बच्चा तो कोई होता, सो हमने कहा मीम बना लेते हैं। सो अब सेलिब्रेट करते हैं, सो मिलते हैं। बॉयस ये आ गया अपना केक, और ऐसा कुछ केक है हमारा, सभी आपको सुनना है। बज रहे हैं रात के 12, और ये भाई लोग, भाई भी आया और मौसी भी आई, फाइनली पहुंच गए दिल्ली से, बोला था मैंने, और ये अब पहुंचे हैं। और क्योंकि इनकी ट्रेन बहुत लेट हो गई थी और इंजन का भी डिस्ट हो गया था, सो अभी मौसी भी आ रखी है, सो भाई भी आ रखा है, सो बोल रहे थे कि इनके साथ भी फ़ोटो शूट कर लेते हैं, क्योंकि मौसी और मम्मी के साथ तो कर रखा है, अब भाई के आ गया तो भाई के साथ थोड़ा फ़ोटो शूट करते हैं। और मौसी भी आ गई हैं, अभी मिलवाता हूँ उनसे, आएंगे तो सब मिल जाएगा। फ़ोटो शूट हो गया मौसी लोगों का, और केक भी खिलाएंगे अभी हम इनको, और इनका देखो ये 1:30 बज गए, अभी तक नींद नहीं आ रही है। अब तो चारों बहन मिले हैं, और ये चारों बहन मिली और देखो इनकी आगे मिच रही है। अब भैया हम खेत के केक खाने जा रहे हैं, भैया भैया का उसका बर्थडे है, और अभी डिनर भी नहीं हुआ है, हमने तो कर लिया, मौसी को डिनर करवाना है अभी, और 1:30 बज गए, भाई को भी भूख लग रही होगी, सही डिनर करवाते हैं, मिलते हैं गाइस डिनर करके, बाय बाय।